हैप्पी विश्वकर्मा डे टू ऑल। आज विश्वकर्मा डे है और आज टेक्निकल लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन होता है। इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार रहता है और आज कोई भी टेक्निकल आदमी काम नहीं करता क्योंकि वो अपने टूल्स वगैरह अपने औजारों की पूजा करते हैं। ये देखिए हमारे डैडी जी भी अपने टूल्स की पूजा कर रहे हैं। हमारे डैडी जी के बारे में आपको बता देता हूँ। डैडी जी की गवर्नमेंट जॉब थी PWD इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में। तो डैडी जी ये विश्वकर्मा डे की पूजा बरसों से करते आ रहे हैं, बरसों से। और मैं भी एक टेक्निकल रह चुका हूँ तो मैं भी इस पूजा को करता हूँ। खैर अब मैं टेक्निकल नहीं हूँ लेकिन पहले पास में मैं टेक्निकल रह चुका हूँ लेकिन स्टिल मैं पूजा करता ही करता हूँ। तो मैं भगवान जी विश्वकर्मा जी से यही गुजारिश करूँगा कि हर टेक्निकल आदमी का काम बहुत अच्छे से चले। और वैसे भी मैं एक स्किल्ड मैन की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। तो आप सभी को विश्वकर्मा डे की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। ये देखिए पहले डैडी जी करेंगे अपने टूल्स को क्लीन, ये देखिए फिर करेंगे इनकी पूजा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कैसे डैडी जी विश्वकर्मा डे की पूजा करते हैं। ये देखिए जी सारे टूल्स को सजा दिया गया है। ये देखिए गाइस, विश्वकर्मा डे की पूजा स्टार्ट हो गई है और आप देख सकते हैं हमारी कल की दिवाली की जो जोत है अभी तक जगमगा रही है। और ये जब तक ठंडी नहीं होगी तब तक हम ये उठाएंगे नहीं। ये पूरी रात जगमगाती रही है, बहुत देर तक चलते है। तो जी हमारे स्वामी जी को कम से कम 20 साल हो गए हैं अपने टेक्निकल वर्क को छोड़े हुए, बट ये अभी अभी तक अभी भी टेक्निकल जॉब है ना मेरी रगों में है। आज भी मैं किसी भी टेक्निकल आदमी को काम करते देखता हूँ ना तो उसमें मैं अपनी छवि देखता हूँ। बिल्कुल। तो ये डैडी जी के साथ पूजा करते हैं विश्वकर्मा डे की। ये जी मोली बांधी जा रही है अपने टूल्स को, बिल्कुल उसी तरीके से करते हैं जैसे आप इंसान के साथ ट्रीट करते हैं ना, वैसे ही सेम डैडी अपने औजारों के साथ प्यार करते हैं। माला चढ़ाएंगे, उसको मोली बांधेंगे, अभी रोली भी लगाएंगे, प्रसाद का भोग भी लगाएंगे। तो जी आप सभी को विश्वकर्मा डे की हार्दिक शुभकामनाएं और आज के दिन गोवर्धन पूजा भी है तो गोवर्धन पूजा की भी हार्दिक 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 शुभकामनाएं आप सभी को। तो जी मैं इसी के साथ पूजा हुई हमारी संपन्न, तो मैं इसी के साथ दो शब्द सुनना चाहती हूँ डैडी जी से और स्वामी जी से कि किस तरीके से रहा इन दोनों का सफ़र। तो पहले बताएंगे हमारे डैडी जी, डैडी जी की किस तरीके से रहा सफ़र पूरा, कितने साल जाओ डैडी जी का है? डैडी अपने आप बताएंगे। बताओ डैडी जी की जॉब। मेरा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में 35 साल के करीब मैंने सर्विस करी है और इन औजारों के साथ ही करी है सर्विस। बहुत अच्छा सफर रहा। और डैडी अभी तक मतलब अपने वर्क को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और कुछ भी ज़रा सा भी कुछ दिक्कत हो जाए ना घर घर में, अगर बिजली के काम में तो एक मिनट देरी नहीं हो सकती है। और सपोज़ अगर डैडी घर में नहीं होते तो जी हमारे बैकअप टीम है हमारे स्वामी जी। हाँ जी स्वामी जी, आप कुछ कहना चाहोगे? एक्चुअली जो टेक्निकल जॉब है ना वो हमारी रगों में है। जैसे हमारे दादाजी भी टेक्निकल थे, उनकी भी गवर्नमेंट जॉब थी, वो आर्मी में थे और डैडी जी भी आगे टेक्निकल थे। फिर मैंने भी थोड़े टाइम मतलब 7-8 साल टेक्निकल जॉब की और फिर फील्ड मेरी चेंज हो गई। लेकिन आज भी टेक्निकल किसी आदमी को काम करते देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही काम कर रहा हूँ। किसी आदमी को टेक्निकल जॉब करते हुए जाते हुए देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं ही जा रहा हूँ। तो मुझे भी टेक्निकल चीज़ों से बहुत प्यार है आज भी। तो बस एक बात और पूछना चाहूँगी कि आपने कोर्स किया है? कोर्स तो मैंने कोई भी नहीं किया, ठीक है। एक बार मेरे सामने कोर्स वाला है। हाँ क्योंकि गाइस कहते हैं ना कि बड़ों को देख के सब सीखते हैं, तो ऐसे ही डैडी जी ने दादाजी से सीखा, ऐसे ही इन्होंने अपने डैडी जी से नहीं, सीखा। नहीं डैडी जी ने दादाजी से नहीं, दादाजी की फील्ड अलग थी। दादाजी अच्छा। आर्मी डिपार्टमेंट क्या थे आर्मी में थे, ईएमए में मैकेनिकल लाइन, मैकेनिकल लाइन में वो जैसे टैंकर होते हैं आर्मी के टैंकर्स वगैरह होते हैं, तोप होती हैं। दादाजी उस डिपार्टमेंट में थे, उनकी मतलब रिपेयरिंग वगैरह जो होती है उसमें थे कुछ, है ना। अच्छा। तो उसके बाद डैडी जी की फील्ड थी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट और मेरी थी 4-5 फील्ड जिसको बोलते हैं। हाँ तो मल्टी टैलेंटेड रहे हो। मतलब 6-7-8 साल का मेरा सफर रहा होगा, उसके अंदर मैंने 7-8 फील्ड चेंज कर दी टेक्निकल।
आप सभी को विश्वकर्मा डे की हार्दिक शुभकामनाएं। ये देखिए जी फ्रेंड्स, अभी हमारे रिद्धि का दिवाली का बुखार उतरा नहीं है। ये देखिए अभी भी ये जला रही है फिरकनी चक्री, और ये देख लीजिए हमारी सिद्धि भी आ गई है। सिद्धि मैडम, और चलिए ये दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए कल ये हमारी डॉली जी ने बनाए थे, ओम और दिया और ये सात्या। ये देखिए बनाए तो बड़े बड़े थे और ये छोटे हो गए हैं। ये देखिए ये ना ये इतने इतने बड़े थे तो ये छोटे हो गए हैं। ये देखिए हमारे बच्चों को। ओ वाओ ये ये क्या बना रहे हो रिद्धि? गाजर का हलवा। ये गाजर का हलवा, ये देखिए जी इन्होंने रंगोली के जो कलर्स होते हैं। मैं पानी डाल रिद्धि की शक्ल, रिद्धि दिखाइयो शक्ल, दिखाइयो दिखाई एक बार दोबारा दिखा। ये फ्रेंड्स नहाई धोई लग रही है क्या? हालांकि सुबह सुबह नहा ली थी लेकिन इसने अभी कंघी नहीं की है तो ये लग रही है। दिखाओ बेटा एक बार दिखाओ, आप कमेंट्स करके बताइए ये क्या लग रही है मौंजली का। वो दिखाओ सिद्धि अपने हाथ दिखाओ। ये देखिए फ्रेंड्स ये सिद्धि के हाथ भी दिखा दो अपने हाथ। माय गॉड, ये है हमारे नलायक बच्चे। आप भी तो होते हैं क्या? था मैं आप दारी दारी थी। इधर इधर देख के बताओ मुझे मौंजली का। दादी बता रही थी कि आप घिसर घिसर के जाते थे, रो रो के स्कूल जाते थे, गंदे बच्चे थे, आप वहाँ से पार्क चले। बेटा जो स्कूल नहीं जाता ना वो गंदा बच्चा नहीं होता, ध्यान रख के चलना बेटा, इस बात को बस सोच लो। आज देख लो मैं स्कूल नहीं गया बेटा, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ फिर भी आपका पापा तो हूँ ना। तो क्या हो गया, अनपढ़ पापा? बेटा मैं अनपढ़ पापा ठीक हूँ। और देखिए जी ये हमारे दादी बता रही थी कि ना पापा को चाय बहुत पसंद है। एक दिन नानी के घर जब पापा गए थे तो फिर पापा की मामी ने चाय बनाई थी तो पापा के लेने बची थी, पापा ने घिसड़ घिसड़ के लेट के पूरा लेट गए, फिर रत रहे फिर मामी ने चाय बनाई। दादी बताती थी सिद्धि, आपको पता है बात क्या? आप भी बता दो, पापा ने क्या कर दिया था? रोना डाल दिया था। हाँ। डाल दिया था, फिर 4 बजे वो चाय दी थी, फिर आपको दूध दिया, फिर लेट गए, फिर नानी और दादी भी तरह थी आपकी ना, वो भी निकलती थी। क्या निकलती थी? अच्छा क्या निकलती थी? बेटा ऐसा है हमारे टाइम में सारे बच्चों की नाक निकलती थी। हम बेटा 80 के दशक के 80s और 90s के बच्चे थे ना, सबका ये हाल होता था। हैप्पी गोवर्धन एवरीवन। तो आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसे कि दिवाली के नेक्स्ट डे आती है गोवर्धन पूजा, तो सुबह हम विश्वकर्मा डे की पूजा कर चुके हैं, तो अब हमने चढ़ाई है कड़ी क्योंकि आज के दिन बनती है कड़ी। तो इसके अंदर हमने 7 सब्जियां और 7 दालें डाल के हमने इसको चढ़ा दिया है। और ये जो मैं बस इसको चला ही रही हूँ, जो ये जो मटेरियल जो रेडी किया है ये मम्मी जी करके चली गई हैं क्योंकि उनसे ज्यादा देर खड़ा नहीं हो पाती है वो। तो जी अब इसको इसमें ये मेन मेहनत है, इसको मैं और डैडी मिलके बनाएंगे और फिर मम्मी आएगी फाइनल टच देने, यानी कि इसका तड़का। तो जी कड़ी है मम्मी जी के हाथ, मम्मी का तड़का अंग अंग भड़का। मम्मी जी का तड़का अंग अंग भड़का, मम्मी जी बनाती एकदम करारी कड़ी। तो जी हमने थोड़ा सा उनसे रिक्वेस्ट करी कि मिर्ची थोड़ा सा कम डालना रोक के हाथ, क्योंकि मम्मी जी को ना थोड़े से मतलब तरतरी कड़ी पसंद है, चरचरी। तो चलिए जी आप भी कड़ी बनाइए और हम भी बना रहे हैं, खाते हैं और गोवर्धन पूजा को सेलिब्रेट करते हैं। बाय।